केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। मेरा नाम पीर सैयद इस्माइल शाह कादरी है। मैं कादरी गुलशन बड़के अल्लाह कौदल्ली पोस्ट वहां का जानशीन और सज्जादा नशीन उर्फ और तारीख नाम मेरा दीवाना है। तारीख नाम शरीयत का नाम बताया और कुछ पूछिए। कादरी चमन कोलार कर्नाटका हमारा मरकज है। हजरत पीर सैयद अमीर शाह कादरी मेरे दादा जान है। उनके खलीफा हजरत पीर सैयद रसूल शाह कादरी बड़के अल्लाह कौदल्ली एमएम हिल्स रोड वहां पर उनकी आस्थाना है कादरी गुलशन के नाम से। वहां का मैं सज्जादा हजरत पीर सैयद इस्माइल शाह कादरी। ये उर्से शरीफ ये हजरत की तो लंबी कहानी है। बड़े ये हम लोग 50 साल से खिदमत करते हैं। खिदमत करते हैं हम लोग। इसके बारे में बेहतर यहाँ के मुकामी हमारे मेरे खलीफा हजरत मुश्ताक शाह कादरी उनसे आप बेहतर जान सकते हैं। और हम जो पर्चा छापते हैं पाम्पलेट उसमें 29, 30, 40 डालते हैं मगर हम पहले से खिदमत करते हुए आए हैं। जब वो दौर में उस जदीद टेक्नोलॉजी नहीं तो हम लोग ऐसे ही खिदमत कर लेके जमाने से हमारे बुजुर्गों ने दीन हिफाजत कर लेके खिदमत कर लेके आ रहे हैं। अब इसके बारे में यहाँ के सदर ये मैसूर गुमनाम शाह वली जिसका संदल आप वो कर रहे उसके बारे में आप सदर मुश्ताक शाह कादरी ये भी कादरी चमन कोलार और उनके खलीफे हजरत पीर सैयद रसूल शाह कादरी वड़के अल्लाह कादरी गुलशन मैं उनका सज्जादा हजरत पीर सैयद इस्माइल शाह कादरी मेरे खलीफे मुश्ताक शाह कादरी उनसे बेहतर आप जान सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खिदमत कर रहे परमिशन के जोड़ में पीर साहब हमारे हजरत पीर सैयद रसूल शाह कादरी आपको दिखाए देखो ऐसे ऐसी जगह है ऐसे ऐसे है कर दो। जब हमें कमेटी बना उस टाइम से आज तक हमें सुधार लगो काम कर लगो जाते घटना अच्छा मारा बाबा का करम है सब खा है सब उनका
जिस टाइम पर उन्होंने देखा वो टाइम से आज तक अभी दिन को दिन तरक्की हो रही है। और क्या थे भेजो बहुत सारे हजारों जो है जितने भी आशिक हजरत गुमनाम शाह अली बाबा के दरबार पे आ रहे हैं, क्या बताना चाहेंगे उनको? हमारे पैगाम जो है जो कुछ भी आए हुए हैं जरा उनके सब खिदमत और खल्क की खिदमत कर रहे हैं हमें भी, और यहाँ कैसा भी वैसा भी क्या भी नहीं है, बहुत से कामयाबी होकर जा रहे हैं, चाहते होकर जा रहे हैं। आस रात जब तक न लोगे औलिया अल्लाह का, सख्त मुश्किल है पता मिलना खुदा की राह का। यही पैगाम इस दर से दिया जाता है कि तुम औलिया अल्लाह के आसरे में आ जाओ, औलिया अल्लाह के सहारे में रहो, औलिया अल्लाह के वसीले में रहो, औलिया अल्लाह की नस्बत में रहो, औलिया अल्लाह की मोहब्बत में रहो, एक होकर औलिया अल्लाह की मोहब्बत में नेक काम करो। यही पैगाम आज के सारे जनरेशन को दिया जाता है और नौजवानों को भी यही पैगाम दिया जाता है कि सब मिलकर जो है अच्छे काम करें, अच्छे रास्ते पर चलें और अच्छी जो है बातों पर अमल करें। यही पैगाम इस खानखा से, इस आस्थाने आलिया से दिया जाता है। और दूसरी बात, सारे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सबको जो है यहाँ जोड़ने का काम किया जाता है और सब मिलजुल कर यहाँ रहने की यहाँ से तालीम दी जाती है। और हजरत गुमनाम शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह का यही नेक काम है, यही नेक नाम है, यही नेक पैगाम है। हजरत गुमनाम शाह अली की बारगाह में तमाम जात और पात के लोग जो है हर मजहब के लोग यहाँ पर जुड़ते हैं, आते हैं, फैजियाब होते हैं। और हजरत मुश्ताक कादरी साहब अभी जैसा फरमाया कि आप तकरीबन 40 साल से, और हमारे साहिब सज्जादा हजरत सैयद इस्माइल शाह कादरी ने जैसा कि फरमाया कि आप जो है हजरत सैयद रसूल शाह कादरी के दौरे हयात से लेकर आज तक ये उससे पाक का निजाम चलाते हुए आ रहे हैं और ये चल रहा है। बहुत सारे 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 इश्क और मोहब्बत और इश्क और मोहब्बत की बातें बहुत ज्यादा हर साल बोल रहे हैं। वो आशिकान औलिया अल्लाह से यहाँ पर जो है तमाम आशिकान औलिया अल्लाह यहाँ पर जुड़ते हैं और सब मिलकर यहाँ पर खिदमत अंजाम देते हैं, और तमाम मजाहिब और तमाम मसालिक के लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर फैजियाब होकर जाते हैं। यहाँ कोई चीज की भी यहाँ क्या भी मंगना गिंगना ये वो सब, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपकी सदारत में और आपकी नियाबत में और आपकी खिदमत में जो है ये बात यहाँ पर देखने को मिलती है। हमारे मुश्ताक भाई साहब कादरी जो यहाँ के मैं जो सदर साहब और खुदमतदार है, जिनकी निगरानी में बगैर किसी चंदे के, बगैर किसी मुतालिबे के, बगैर किसी डिमांड के और किसी से जो है आप लिए बगैर, यानी कोई अगर अपनी खुशी से करता है या मोहब्बत से करता है, नजर पेश करता है, वो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पर चंदा वगैरह नहीं किया जाता है। बगैर चंदे के सब मिलकर खुलफा है और उशाक आशिका है और तमाम चाहने वाले अकीदतमंदा है, सब मिलकर यहाँ पर कार्रवाई संदल फूल की तमाम की कार्रवाई बड़े हुस्न खूबी के साथ की जाती है और यहाँ पर जो है बड़े अदब का मोहब्बत का यह खास ख्याल रखा जाता है। गुमनाम बाबा का चंदा कौन भी पूछा तो भी मत जाना। और सबसे बड़ी बात यहाँ से ये भी ऐलान किया जाता है कि यहाँ मनमानी करने की जगह नहीं है और कोई भी यहाँ के नाम से चंदा मांगता है तो उसको चंदा ना दे, बल्कि यहाँ पर जो है अदब से मोहब्बत से खिदमत करने वाला यहाँ पर कामयाब होता है। बस कामयाब होने वालों के लिए ये बेहतरीन दरगाह है और ये बेहतरीन मर्जा-ए-खलायक है, तो लिहाजा और यहाँ पर मस्जिद भी बनाई गई है लोगों को नमाज को आने के लिए, मुसाफिरों के लिए, जायरीन के लिए मस्जिद भी यहाँ पर बनाई गई है और बहुत सारे जो है और यहाँ पर जो है दीनी खिदमत के अंजाम होते हैं, 11वीं शरीफ के प्रोग्राम और दूसरे सारे प्रोग्राम पीराने पीर रोशन जमीन गौसुल आज़म मुस्तकीर के नियाज और फातिहा का सिलसिला जारी रहता है, लंगर बढ़ते रहता है। हर महीना 11वीं शरीफ करते हैं, हर महीना 31 करते हैं जान के, और मौला अली मुश्किल कुशा दस्ते खुदा हाजत रवा के महीने की 21वीं तारीख चांद की 21 को यहाँ पर नियाज की जाती है और पीराने पीर रोशन जमीन गौसुल आज़म मुस्तकीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की 11वीं शरीफ हर महीने की 11 तारीख को की जाती है, लिहाजा यहाँ लंगर चलता रहता है। ये वो खानका है दूर दराज से जो मुसाफिरीन भी आते हैं
जायरीन भी आते हैं, अकीदत मंदिर भी आते हैं, मर्द औरतें बच्चे बड़े बूढ़े तमाम के तमाम खास और आम लोग यहाँ फैजियाब होते हैं और बशायख किराम और सूफिया किराम का भी यहाँ पर जो है आना जाना जारी है और जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ अल्लाह तो अपनी रहमत से सबके आने बैठे को तो कबूल फरमा, तेरी रहमत से इस उर्से पाक को तो कबूल फरमा। ऐ अल्लाह साहिब सज्जादा को और हमारे सदर मोहतरम को सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। ऐ अल्लाह हिम्मत और ताकत अता फरमा, मजीद देर काम करने का हौसला अता फरमा। सारे लोगों को जुड़ कर काम करने वाला बना दे, जोड़ने वाला बना दे, एक बना दे, नेक बना दे। हज़रत सैयद गुमनाम शाहवली रहमतुल्लाह अलैह के दरवाजे से नेमत अता फरमा, रहमत अता फरमा, बरकत अता फरमा, जाहिरी बातिनी रूहानी फयूज और बरकत अता फरमा, सबकी मुश्किलें आसान फरमा, सबके तकालीफ परेशानियों को दूर फरमा, सबके मकासिद में कामयाबी अता फरमा, तमाम बच्चे बच्चियों का नसीबा नेक फरमा और तमाम के रिश्तों का इंतजाम फरमा, जिनके रिश्ते हो चुके हैं उनकी शादियों के लिए गैब से मदद फरमा, जिनके शादियाँ हो चुकी है उनके जोड़े में प्यार मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह तमाम बच्चे बच्चों को इल्म हिकमत की दौलत अता फरमा, तमाम बच्चे बच्चियों के सबके इम्तिहान में कामयाबी अता फरमा, सबकी आजमाइश में कामयाबी अता फरमा, सैयद गुमनाम शाह वली का फैजान अता फरमा, नूरानियत अता फरमा, रूहानियत अता फरमा, इरफानियत अता फरमा, आइनियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे तमाम के जाय बातिन को रोशन फरमा, इस मकाम को और बुलंद दर्जा अता फरमा, यहाँ की खिदमत करने वालों के तमाम की कमाई में रोजी में खैर बरकत अता फरमा, तमाम चाहने मानने वालों की हिफाजत फरमा, नुसरत फरमा, हासिदीन मुखालिफीन मुनाफिकीन के शर से बचा, असरात बाद अरवाह बाद नजर बाद से हिफाजत फरमा। ऐ मालिक मौला सैयद रसूल शाह कादरी के बारगाह को भी ऐ इलाज आलमे फैज़े आम के लिए तो खोल दे मौला, को दूर फरमा दे, सबके दिलों से नफरतों को दूर फरमा, सबके दिलों में प्यार मोहब्बत अता फरमा। ऐ अल्लाह जिनके जरिए से यहाँ आने की हमें रोशनी मिली, सआदत मिली, ऐ अल्लाह सैयद रसूल शाह कादरी के माँ दर्जात को बुलंद फरमा दे, करम रहम का मामला फरमा, उनके चाहने मानने वालों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह आलमीन तो अपनी रहमत से ऐ अल्लाह हम तमाम की नेक दुआओं को तो आमीन फरमा। रब्बना तक़बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तवाब रहीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तेरे लुत्फ़ व करम से हो सबकी दूर परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक़ शायद इलानी। या शायद अमन सुल्तान आलम सैयद अहमद कबीर, मुश्किल हल्की जो हम सब की, या गौस आजम दस्तगीर। इमदाद कुन इमदाद कुन, हज बंदे गम आजाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन। या गौस आजम दस्तगीर, या गौस आजम बमने बेसर उसामा मददे, क़िबले दी मददे, قبل هذه مدد الكعبة إمام مدد ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون. Yeah, 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 y